वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों टीजीटी पीजीटी की एक और नई भर्ती के बारे में, वो भी उत्तर प्रदेश की। पहली बार इस चैनल पर मैं टीजीटी पीजीटी की एक नई भर्ती की बात कर रहा हूँ, 2022 वाली भर्ती के बाद जो आएगी। पूरा प्रॉपर इसका नोटिस जारी हो गया है, अधिसूचन मांग लिया गया है, शिक्षा निदेशालय ने ये वाली विज्ञप्ति जारी की है, डिटेल में जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ बात करेंगे जो वर्तमान में टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती चल रही है, इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में छात्रों की मुलाकात माध्यमिक शिक्षा मंत्री से हुई है, उन्होंने क्या बताया है, और अल्टी ग्रेड ने विज्ञापन के संबंध में तो गुड न्यूज़ ही मिल गई है। तो तीन बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाती है। तो फेक न्यूज़ से बचे रहने के लिए इस चैनल पर आप बने रहिए। बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय हैं, ये तीन प्रकार के हैं। एक होता है राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जहां पर भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, जिसे आप एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के नाम से जानते हैं। तो ये भर्ती तो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी ही, आगे बात भी करेंगे। और एक जो विद्यालय है माध्यमिक, वो होता है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जो सामान्य विद्यालय होते हैं। और एक अल्पसंख्यक भी विद्यालय होता है, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय। तो यहीं पर नई भर्ती होगी आने वाले समय में। और देख सकते हैं ये नोटिस शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिया है, और सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से डेटा मांगा गया है। विषय आप पढ़ पाएंगे, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान यानी कि प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक, तो पीजीटी और टीजीटी की भर्ती होनी है। साथ ही साथ जो सहायक अध्यापक हैं संबद्ध प्राइमरी अनुभाग से, तो कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पर 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई होती है, वहां पर प्राइमरी विद्यालय भी होता है उसी से संबद्ध, तो वहां का क्या डेटा है वो भी जानकारी मांगी गई है। पूरा ये वाला प्रॉपर फॉर्मेट जारी हुआ है, जिसमें अधियाचन मांग गया है 31 अक्टूबर तक सारा अधियाचन भेज देना है। सृजित पद कितने हैं, कार्यरत पद कितने हैं, रिक्त पद कितने हैं, सारी सूचनाएँ मांगी गई हैं। और इसमें दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो मामला है मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और उनकी प्राथमिकता में है, यानी कि जैसे ही अधियाचन आ जाएगा इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और अगले साल एक भर्ती अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में देखने को मिल सकती है। तो ये एक भर्ती है जो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अधियाचन के लिए पत्र जारी हो गया है, भर्ती प्रक्रिया शुरू है। जब अधियाचन प्राप्त हो जाएगा उसके बाद फिर विज्ञापन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो यदि आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार अपनी परीक्षा में लगे हुए हैं, तो आपको किसी न किसी भर्ती में सफलता जरूर मिलेगी। नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिव होकर लगातार पढ़ाई करिए। यदि आप डेली 2 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटा ही सही, लेकिन लगातार डेली बाई डेली एक रूटीन बनाकर पढ़ाई करते रहें। तो साफ साफ इस पत्र में कहा गया है कि प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता से संबंधित बिंदुओं से आच्छादित है, अतः विषय को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर सुस्पष्ट सूचना संलग्न प्रारूप में भेजना सुनिश्चित करें, और 31 अक्टूबर तक ही सारा जानकारी मांग गया है। तो ये गुड न्यूज़ है, टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती अल्पसंख्यक विद्यालयों में अगले साल देखने को मिलेगी, और ये भर्ती भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही कराएगा, तो ये भी आप जानते रहिए। बात करते हैं जो वर्तमान में भर्ती चल रही है टीजीटी पीजीटी 2022 वाले, इसकी परीक्षा तिथि के संबंध में क्या लेटेस्ट अपडेट है, और एलटी ग्रेड के नए विज्ञापन के संबंध में क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो अभी हाल ही में छात्रों की मुलाकात माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी से हुई है, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, ये हैं शीतला प्रसाद ओझा जी और उनके साथियों की मुलाकात हुई है लखनऊ में मंत्री जी से। हालांकि छात्रों ने कोशिश की उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी से भी मुलाकात हो जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हो जाए, लेकिन इन लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि मुख्यमंत्री जी के जो निजी सचिव हैं उनसे मुलाकात जरूर हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आपके प्रकरण पर कार्रवाई होगी। बात करें टीजीटी पीजीटी के लेटेस्ट अपडेट की, तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि इस पर कार्रवाई लगातार जारी है, सदस्यों के चयन की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही सदस्य नियुक्त हो जाएंगे, उसके बाद चयन बोर्ड का गठन हो जाएगा, फिर परीक्षा तारीखों का ऐलान देखने को मिलेगा। लगभग 70 दिन पहले परीक्षा तारीखों के बारे में बता दिया जाएगा, ये भी लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। उम्मीद है 15 नवंबर तक सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी और नवंबर लास्ट तक पहली मीटिंग हो जाएगी चयन बोर्ड में और परीक्षा तारीखों पर विचार किया जाएगा।
इस समय जो कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान का जो सिचुएशन है, इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो एग्ज़ाम आपके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं फरवरी में। फरवरी में परीक्षा तारीखों को लेकर विचार विमर्श भी चल रहा है, कुछ डेट्स पर विचार भी हो रहा है। तो आप लोग फिलहाल परीक्षा अपनी मान कर चलें, फरवरी में होना है, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आप करते रहिए। यदि परीक्षा फरवरी में होती है तो ये बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए कि हमें समय नहीं मिला, ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है इस परीक्षा में। तो फरवरी मानकर अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। यदि फरवरी में किसी भी कारण से परीक्षा नहीं होती है तो एग्ज़ाम में काफ़ी डिले होगा, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय बोर्ड की परीक्षाएँ हैं और उस समय सेंटर मिलना पॉसिबल नहीं है। फिर अप्रैल में, 8 अप्रैल के आसपास अध्यक्ष साहब रिटायर हो जाएंगे, फिर अध्यक्ष की नियुक्ति में भी समय लगेगा, फिर आपका परीक्षा जून जुलाई तक बड़े आराम से जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में होशियारी इसी में है कि फरवरी को मानकर अपनी तैयारी कंप्लीट की जाए। बात करें एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड को लेकर तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, खुद माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 20 नवंबर तक एलटी ग्रेड में जो समकक्ष अर्हता का मामला है ये निपट जाएगा और इसके बाद फिर विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो यदि माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी की मान है, क्योंकि अभी शीतला प्रसाद ओझा और उनके साथियों की मुलाकात जल्द ही हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग नवंबर में जो समकक्ष अर्हता का मामला है ये निपट जाएगा और उसके बाद फिर दिसंबर में ज़्यादा चांसेस हैं कि विज्ञापन इसका निकाल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साफ साफ कह रहा है कि जैसे ही समकक्ष अर्हता का मामला निपटेगा हम विज्ञापन निकाल देंगे। विज्ञापन में कोई समस्या नहीं, पूरा विज्ञापन बनकर तैयार है, अध्याचन उन्हें ऑलरेडी मिला हुआ है, बस ये समकक्ष अर्हता वाला मामला है, निपटते ही विज्ञापन जारी हो जाएगा। एलडी ग्रेड को लेकर यह भी अपडेट मिली है कि इसमें प्री और मेंस देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको बिल्कुल मानकर चलें कि इस बार प्री और मेंस होगा। हर बार एलटी ग्रेड में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। इससे पहले इंटरव्यू होता था, 2018 वाली भर्ती में इंटरव्यू समाप्त हुआ, एक एग्ज़ाम हुआ, और इस बार अब प्री और मेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि जीएससी लेक्चरर में होता है। प्रवक्ता की भी भर्ती होगी, लेकिन पहले एलटी ग्रेड वाली आएगी, फिर जीएससी प्रवक्ता का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हम किसी भी भर्ती को एक चरण में कंप्लीट नहीं करेंगे, या तो प्री मेंस होगा, या तो एक एग्ज़ाम होगा, तो एक इंटरव्यू होगा। एलटी ग्रेड में इस बार इंटरव्यू नहीं होना है, तो इसमें प्री और मेंस होना क्लियर हो चुका है। बाकी इसके अलावा आपके कोई और सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं हमसे कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।